देश के दूध उत्पादक दूध की खरीद की कीमत बढ़ने से खुश हैं। वहीं कंपनियों पर बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों ने कहा है कि ये कुछ असामान्य है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक चलने वाले सीजन के दौरान दूध की कीमतों में नरमी आती है, जब आपूर्ति सामान्य से 8-10% ज्यादा होती है। बहरहाल कारोबार और बाजार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बार इस सीजन में दूध की कीमत आपूर्ति पिछले साल की तुलना में करीब 20-25% कम है, जिसकी वजह से खरीद की दरों पर असर पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य दुग्ध सहकारी समितियों और निजी कंपनियों ने या तो खुदरा दूध के दाम में बढ़ोतरी की है या आने वाले सप्ताहों में ऐसा करने पर विचार कर रही है। तेलंगाना में राज्य डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ने दूध के दाम में 1 जनवरी से 2-4 रुपए लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि कर्नाटक में भी राज्य सरकार कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। ग्राहक जितना दूध का दाम भुगतान करते हैं उसमें से 80% दूध उत्पादकों को खरीद मूल्य के रूप में दिया जाता है, जो कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा है। बाजार के सूत्रों ने कहा है कि नवंबर के बाद से देश भर में गाय के दूध का खरीद मूल्य 29-30 रुपये प्रति लीटर है, जबकि यह पिछले साल की समान अवधि में 26-27 रुपये लीटर था। इसमें 10% बढ़ोतरी हुई है। वहीं भैंस के दूध का औसत मूल्य 41-42 रुपये लीटर है, जो पिछले साल करीब 39 रुपये लीटर था। इसकी कीमत में 5-8% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत 230-240 रुपये किलो है, जो आसानी से 260 रुपये किलो तक जा सकती है। लेकिन कोविड को लेकर अनिश्चितता के कारण आने वाले महीनों में कीमत पर लगाम रहने की संभावना है। ज्यादा आपूर्ति वाले इस सीजन में दूध की आपूर्ति निश्चित रूप से पिछले साल से कम है। इसमें किसानों द्वारा जानवर पर कम निवेश, मई और जून में लॉकडाउन और चारे की कमी आदि जैसी वजह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।